जियो ने प्रीपेड यूजर वालों के लिए नेटफ्लिक्स के दो रिचार्ज प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला रिचार्ज प्लान है 1,099 रुपए का और दूसरा रिचार्ज प्लान है 1,499 रुपए का। तो अगर आप नेटफ्लिक्स को देखने के लिए इन दोनों रिचार्ज प्लान में से कोई सा भी रिचार्ज प्लान करवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि इन दोनों रिचार्ज प्लान में से कौन सा रिचार्ज प्लान आपके लिए बेस्ट है, दोनों रिचार्ज प्लान में क्या अंतर है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। और साथ ही साथ नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है उसे हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, ये भी जानकारी हम शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। फिलहाल के टाइम पे दोस्तों नेटफ्लिक्स ने प्रीपेड यूजर वालों के लिए नेटफ्लिक्स के दो रिचार्जेस प्लान लेकर के आया है और ये दोनों ही रिचार्जेस प्लान आपको MyJio एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको MyJio एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद में जब आप रिचार्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एंटरटेनमेंट प्लान करके एक सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप वहां पे स्विच करेंगे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे यहां पे आपको नेटफ्लिक्स के दो प्लान्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला रिचार्ज प्लान है 1,099 रुपए का और दूसरा 1,499 रुपए का। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इन दोनों ही रिचार्जेस प्लान में हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं जियो के 1,099 रुपए रिचार्ज प्लान के साथ में। तो अगर हम इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो इसके अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अगर हम 1,099 रुपए का रिचार्ज प्लान करवाते हैं तो इस प्लान की वैलिडिटी हमें मिल जाती है पूरे 84 दिन की, और 84 दिन के अंदर आपको टोटल इंटरनेट मिल जाएगा 168 GB इंटरनेट डेटा, जिसका मतलब दोस्तों ये होता है कि पर डे आपको 2 GB इंटरनेट डेटा मिल जाएगा यूज करने के लिए। और साथ ही इस प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सुविधा मिल जाती है, पर डे 100 SMS भी आपको मिल जाएंगे। और इसी के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेटफ्लिक्स का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि 1,099 रुपए के रिचार्ज प्लान के साथ में आपको नेटफ्लिक्स का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसका मतलब यह है कि नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग आप ओनली मोबाइल की स्क्रीन पे कर पाएंगे। इसी के साथ में जियो टीवी जियो सिनेमा का भी मिल जाएगा, मगर यहाँ पे मैं आपको एक कंफर्म बात कर देता हूँ कि जियो टीवी और जो जियो सिनेमा है वो आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा। इसके साथ में अगर आप 5G कवरेज एरिया में आते हैं, 5G कंपेटेबल डिवाइस आपके पास में है, तो अनलिमिटेड 5G इंटरनेट डेटा की भी सुविधा आपको इस प्लान के साथ में मिलने वाली है। और अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स का दूसरा रिचार्ज प्लान जो की है 1,499 रुपए का। तो अगर हम 1,499 रुपए का रिचार्ज प्लान करवाते हैं तो इसके अंदर भी आपको पूरे 84 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, जो कि हमें 1,099 रुपए रिचार्ज प्लान करवाने पे भी मिलती थी। अब दोस्तों 84 दिन के अंदर हमें टोटल इंटरनेट डेटा मिलने वाला है, जो कि होगा 252 GB इंटरनेट डेटा। और अगर हम 1,099 रुपए का रिचार्ज प्लान करवाते हैं तो उसके अंदर हमें 168 GB ही इंटरनेट डेटा मिलता है। तो कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको पूरे 84 GB इंटरनेट डेटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको पर डे 3 GB इंटरनेट डेटा मिल जाता है यूज करने के लिए। तो वहीं अगर हम 1,099 रुपए का रिचार्ज प्लान करवाते थे तो उसके अंदर आपको 2 GB इंटरनेट डेटा मिलता था। सो यहाँ पे आपको 1 GB पर डे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे कि आप अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर पाएंगे, पर डे 100 SMS की भी सुविधा आपको मिल जाती है। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन की। सो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का जो बेसिक सब्सक्रिप्शन है वो देखने के लिए मिलने वाला है, जिसका मतलब दोस्तों ये है कि नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल पे कर सकेंगे। और अगर आपके घर में PC लैपटॉप या फिर स्मार्ट TV है तो उसके अंदर भी आप नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग बड़े ही आराम से कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक का मतलब यही होता है एक लेवल ऊपर। सो यहाँ पे इसके अलावा आपको जियो टीवी का और जियो सिनेमा का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, मगर आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें अदर बेनिफिट की, सो अगर आप 5G कवरेज एरिया में आते हैं, 5G कंपेटेबल डिवाइस है, सो अनलिमिटेड 5G इंटरनेट डेटा आप यूज कर पाएंगे। और अब दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों रिचार्जेस प्लान में से कौन सा प्लान बेस्ट है, कौन सा रिचार्ज प्लान हमें करवाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग को अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं तो बेसिक सी बात है कि आप नेटफ्लिक्स का जो 1,099 रुपए का रिचार्ज प्लान है उसके साथ में जा सकते हैं। और ऐसे में वहां पे आपको पर डे 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिल जाएगा, तो नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग करने के लिए काफी ठीक ठाक है। और वहीं पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग है वो बड़ी स्क्रीन पे देखना आप पसंद करते हैं, यानी कि अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है, PC में, लैपटॉप में देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप 1,499 रुपए का जो रिचार्ज प्लान है वो करवा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 3 GB इंटरनेट डेटा मिल जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर हम बड़ी स्क्रीन पे नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपको इंटरनेट डेटा भी चाहिए होगा।
और ऐसे में अगर आप 5G कवरेज एरिया में आते हैं तो फिर आपकी मौज ही मौज है, अनलिमिटेड इंटरनेट डेटा आपको मिल जाएगा, यानी कि अनलिमिटेड आप स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने जियो का 1,099 रुपए का रिचार्ज प्लान और साथ ही साथ 1,499 रुपए का रिचार्ज प्लान का कंपैरिजन किया है। इन दोनों प्लान में क्या अंतर है, कौन सा प्लान आपके लिए कैसे बेस्ट होने वाला है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और साथ ही साथ इन दोनों रिचार्जेस प्लान में से कौन सा प्लान आपको बेस्ट लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या करें हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करके पास ही बने बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी।